आपने यहीं पे इंटरव्यू दिया था? किस स्टेट के लिए इंटरव्यू दिया था आपने? ठीक है, तो किस देश का आपको वीजा मिला है? दुबई का। दुबई का। कंपनी का क्या नाम है? अल खराफी। तो मेडिकल के कितने दिन में आपको वीजा मिल गया है? उसमें तो 3 महीने टाइम लगी है। 3 महीने का टाइम लगा, कोई बात। कितना सैलरी लगा है आपका? 1500 बार है। 1500 10 घंटे का लगाया है। 1500 ओवर टाइम भी है? हाँ जी, प्लस ओवर टाइम भी था। क्या नाम है भैया आपका? पिताजी का नाम? परमेश्वर महतो जी। कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा पता बताइए। थाना प्रयाग जिला, ठीक है। आपने यहीं पे इंटरव्यू दिया था? किस स्टेट के लिए इंटरव्यू दिया था आपने? ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, कुछ इसके बारे में बताइए, क्या करवाया गया था? जी जी, तो किस देश का आपको वीजा मिला है? दुबई का। दुबई का। कंपनी का क्या नाम है? अल खराफी। ठीक है, तो मेडिकल के कितने दिन में आपको वीजा मिल गया है? उसमें तो 3 महीने टाइम लगी है। 3 महीने का टाइम लगा, कोई बात। कितना सैलरी लगा है आपका? 1500 बार है। 1500 10 घंटे का लगा है। 1500 ओवर टाइम भी है? हाँ जी, प्लस ओवर टाइम भी था। मेडिकल से पहले या काम से पहले आपसे किसी तरह का कोई पैसा तो नहीं लिया गया, कोई डिमांड तो नहीं किया गया? नहीं सर, कोई डिमांड, कोई पैसा नहीं लिया गया। तो यहाँ परफेक्ट ग्रुप ऑफिस के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसे दोस्त यार ने फोन दिया था, फोन नंबर आपका, यहाँ पर आए, कॉन्टेक्ट किए, पास जी। तो अभी आपको यहाँ से काम करवा के कैसा लग रहा है? यहाँ सर अभी तो काम करके अच्छा है, अभी वहाँ जाके काम करेंगे और अच्छा रहेगा। और अच्छा रहेगा, बिल्कुल। तो परफेक्ट ग्रुप ऑफिस से काम करवाने और आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए परफेक्ट ग्रुप ऑफिस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। 10 जून को क्लाइंट इंटरव्यू है रिलायंस इलेक्ट्रो मैकेनिक रेमको का, ट्रेड आप देख रहे हैं। कुबैत ऑयल कंपनी 10 जून को क्लाइंट इंटरव्यू है, फ्री रिक्वायरमेंट है सर डाउन, ट्रेड आप देख रहे हैं क्या क्या है। सैलरी 45,000 से लगा के 60,000 रूपए तक। 13 जून को जो है रेमको रिलायंस इलेक्ट्रो मैकेनिक में इलेक्ट्रीशियन चाहिए और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन चाहिए, देख रहे हैं आप तुरंत ऑफिस में। 9 जून को देख रहे हैं अबू हातिम कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है, कंपनी रहना खाना सब फ्री देती है, हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन के छुट्टी जगह काम करेंगे तो 4 दिन का पैसा मिलेगा, महीने का आपका 16 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, माने 30 दिन प्लस 16 दिन 46 दिन का पैसा। अगर हमारे ऑफिस के थ्रू फ्री में अपना काम करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, स्क्रीनशॉट लेके आइए, ग्रुपों में भी शेयर करके आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ। 10 जून को रिलायंस इलेक्ट्रो मैकेनिक रेमको कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है जिसमें टाइल्स मेसन चाहिए, फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, पेंटर चाहिए और डिप्लोमा सिविल इंजीनियर चाहिए, जान लीजिए। ट्रेड का सैलरी जो है 22,500 रूपए है, 8 घंटे का प्लस ओवर टाइम है, कंपनी एकोमोडेशन वगैरह सारी फैसिलिटी दे रही है, फिक्स 2 घंटा ओवर टाइम कम से कम है, उसके बाद आप काम करेंगे और ज्यादा मिलेगा, फ्राइडे पक्का है, काम करेंगे 2 दिन का पैसा मिलेगा। सिविल डिप्लोमा सिविल इंजीनियर भी चाहिए जिसकी सैलरी जो है 56,209 है। तो साथियों आप जरूर 10 तारीख को मेरे ऑफिस में आइए, अगर आप जाना चाहते हैं परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं 10 तारीख के पहले भी आके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके मेरे ऑफिस में जाएं ताकि सबसे पहले आपका इंटरव्यू कराएं। कुवैत ऑयल कंपनी KOC का क्लाइंट इंटरव्यू है 10 जून को दोस्तों, भी फ्री रिक्वायरमेंट है, 6 महीने का शट डाउन प्रोजेक्ट है, लेकिन शर्त यही है कि आपके पास रनिंग कार्ड होना चाहिए। अब फ्री में जाएंगे विदेश, इसमें जो है मेरे बगल में आप देख रहे हैं वेल्डर चाहिए टिग एंड आर्क SS का, जिसका सैलरी 8 घंटे का 180 KT से 200 KT है, जो कि इंडिया का लगभग 53,645 रूपए 8 घंटे का होता है, फ्री खाना है, फ्री रहना है, उसके बाद ओवर टाइम है, जुमा पक्का है, जान लीजिए। वेल्डर चाहिए टिग एंड आर्क का, CS का ध्यान दीजिएगा, CS का 120 से 160 KT सैलरी है, फूड कंपनी का है, ओवर टाइम है, सैलरी लगभग इंडिया का देखा जाए तो 42,961 रूपए हो जाता है। वेल्डर टिग वेल्डर चाहिए, टिग वेल्डर का सैलरी जो है देखा जाए तो 110 से 140 है, प्लस फूड है, ओवर टाइम है और सैलरी इंडिया का लगभग 37,500 हो जाएगा। पाइप फेब्रिकेटर चाहिए लगभग इंडिया का 48,000 सैलरी, 8 घंटे का, रहना खाना सब कुछ फ्री है, 180 KT जो है सैलरी कुवैत का है। ग्राइंडर चाहिए, ग्राइंडर मैन चाहिए जिसकी सैलरी जो है 90 से 100 है,
प्लस फूड कंपनी का फ्री है, ओवर टाइम है, और जो भी साथी देने आना चाहता है तुरंत मेरे ऑफिस में 10 जून को आ जाएगा। टेस्टिंग है मेरे पास बिल्डर का, ज्यादा सेटअप नहीं है, तो इसका टेस्ट जो है टेस्ट सेंटर पे होगा। बिल्डिंग के टोटल पैसा टेस्टिंग का मैं दूंगा आपको, सिर्फ आपको टाइम से यहाँ सुबह 9 बजे आना होगा, और आप चलिए टेस्ट मार के टेस्ट पास हो जाते हैं तो तुरंत भी दे जाए। 13 जून को भी रिलायंस इलेक्ट्रो मैकेनिक रेमको कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है, जिसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन चाहिए और इलेक्ट्रीशियन चाहिए। 800 से 1000 सैलरी है, लगभग 20,000 से 22,000 रुपए आपका बेसिक सैलरी है। उसके बाद जो है ओवर टाइम है, पर डे 2 घंटा फिक्स ओवर टाइम है, ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा करिए। जुमे को पक्का है छुट्टी रहती है, सारी फैसिलिटी कंपनी आपको दे रही है। जो भी अभी तक मैंने वांट बताया है टोटल इम्प्लॉयमेंट वीजे का है। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन मतलब जीरो नहीं, इलेक्ट्रीशियन का उसको कुछ ना कुछ काम मालूम होना चाहिए तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का तो पूरा मालूम हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप जरूर मेरे ऑफिस में आइए, 13 जून को इसका कंपनी का इंटरव्यू है। अगर अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले ही आकर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका सबसे पहले इंटरव्यू करवाऊं, आपका सेलेक्ट होने का बाहर जाने का ज्यादा चांस हो जाए। तीसरा इंटरव्यू जो है 9 जून को ही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि कंपनी रहना खाना सब फ्री दे रही है। 7 दिन में सिर्फ 5 दिन आपको काम करना है, 2 दिन जो छुट्टी रहता है काम दिन करेंगे 2 दिन, तो 4 दिन का पैसा मिलेगा। देखा जाए तो जो है 1 महीना लगातार काम करते हैं तो 16 दिन आपका ओवर टाइम में ही चला जाएगा, प्लस पर डे भी ओवर टाइम है, तो कमा के लाल हो जाएंगे मेरे भाई। इसमें मेसन चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए और हेल्पर चाहिए। सैलरी जो 75 मान लिया लिखा है वो बेसिक है, लेकिन ओवर टाइम इतने ज्यादा है कि आप सैलरी भूल ही जाएंगे, जान लीजिए। स्टील फिक्सर का भी जो है 75 है और कंस्ट्रक्शन हेल्पर का 60 है, लेकिन मेन चीज ओवर टाइम का है। पर डे दबा के ओवर टाइम चलता है, प्लस हफ्ते में 5 ही दिन काम करना है, 2 दिन जो छुट्टी है अगर मार दिए तो 16 दिन हो जाएगा, जान लीजिए महीने का। आप तुरंत मेरे ऑफिस में आइए, काम करवाइए अपना, मैं आपकी सेवा के लिए आपके साथ हूँ। आइए, मैं मुझसे मुलाकात भी होगी, कोशिश करूंगा जो भी हमसे हो पाए आपकी मदद करूंगा, सारे लोग का काम कराऊंगा। दोस्तों परफेक्ट ग्रुप आने के लिए आपको सिर्फ यही किसी से भी पूछना होगा, कहीं से भी आप आ रहे हैं, मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे रानी डिहा चौराहा पड़ता है। ये रानी डिहा चौराहे की जो है तस्वीरें हैं, और बराबर हर जगह से ऑटो आता है, आपके सामने भी ऑटो होगा, आप बोलेंगे रानी डिहा चौराहा उतरना है और यहाँ उतरेंगे तो यही वीडियो आप देख के समझ जाइएगा। रानी डिहा चौराहा से यहाँ से देखिए स्टार एक सेंटर से ही बगल से रास्ता गया है, बोर्ड भी हमारा दिख रहा है परफेक्ट ग्रुप का, यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना होगा और आगे आएंगे तो परफेक्ट ग्रुप का जो है टोटल बोर्डे मिल जाएंगी आपको। ये देखिए परफेक्ट ग्रुप का बोर्ड लगा है, लेकिन चुनाव वाले बेचारे लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, आगे भी लिखवाए हैं। ये आपको सामने इस तरह से मंदिर दिखेगा, शिवराज मंदिर, और यहाँ से आपको दाहिने मुड़ना होगा। देखिए बगल में फिर आपको परफेक्ट ग्रुप ऑफिस का जो है ये बोर्ड दिख जाएगा, और जो है यहाँ सीधे आप आएंगे, यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी है, आप पैदल भी टहलते हुए आ सकते हैं, गाड़ी तो सीधा गाड़ी से आ सकते हैं, चरपहिया है तो चरपहिया से आ सकते हैं, और जो है सीधा आप इस तरह से आएंगे और आते ही फिर आगे आपको बोर्ड दिख जाएगा। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप वीडियो देख के आ सके, और देखिए परफेक्ट ग्रुप का मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से 400 मीटर की दूरी है, और सीधा आप आगे जो है सीधे आप बढ़ते आएंगे सीधे आप मेरे ऑफिस पे पहुंच जाएंगे आसानी से, बहुत ही आसानी से, आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो है आगे मैं बताऊंगा गाड़ी कहाँ खड़ा करना है, आपको गाड़ी वहीं खड़ा करिएगा, क्योंकि वहीं पे है जो है सीसीटीवी कैमरे लगा है और मेरी खुद की जमीन है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। गाड़ी दूसरे जगह बिल्कुल ना खड़ा करिएगा, गाड़ी जहाँ वीडियो में बता रहा हूँ वहीं खड़ा करिएगा। यहाँ रोड से देखिए फिर आपको लेफ्ट मुड़ना है, और यहाँ परफेक्ट ग्रुप का देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, और ये बोर्ड देख के आपको सीधा एकदम चलना है, और तेजी से आप आगे बढ़ेंगे और सीधे सामने एक और आपको जो है बोर्ड मिल जाएगा, उस बोर्ड पे मिला लिखा हुआ रहेगा, फिर वहां से आपको मुंडा रहेगा दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिए। रोड से दाहिने आएंगे, सीधा आप बढ़ते जाएंगे, दाहिने आगे मुंडा रहेगा आपको, आगे देखिए फिर आपको परफेक्ट ग्रुप का बोर्ड दिखाई देगा, जो कि बता रहा है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है परफेक्ट ग्रुप, और विदेश मंत्रालय से रजिस्टर ऑफिस, यहाँ से सीधा आएंगे, यही रोड ही मेरे ऑफिस तक चला जाएगा दोस्तों। हर एक जगह मोड़ पे मैंने लिखवा दिया है, आपको कहीं से आने की दिक्कत नहीं होगी। ये मकान वकान सब वीडियो में देखते रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ आप सही चल रहे हैं, क्योंकि मकान बदलने वाला नहीं है दोस्तों। ये सीधे आप आएंगे, सीधे आएंगे देखिए फिर हमारा बोर्ड दिखाई देने लगा,
और सीधे ये पक्की सड़क है और यहाँ से जो है कच्ची हो जाती है, कच्ची पकड़ के आपको आना है। ये देखिए परफेक्ट ग्रुप ऑफिस यहाँ सीधा जो है सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे है, सीधा आप यहाँ से कच्ची पकड़ लेंगे और यहाँ से ही जैसे लिफ्ट घूमेंगे आप परफेक्ट ग्रुप पे दोस्तों पहुंच गए। ये देखिए यहाँ सीधा गए, ये मकान जो भी मैं दिखा रहा हूँ पहचान के नाते दिखा रहा हूँ कि कहीं आप गलत रास्ता कोई ना पकड़े। अब यहाँ से देखिए फिर लेफ्ट मुड़ना है और सीधे देखिए व्हाइट कलर का आगे जो है दीवार पे आपको दिख रहा है परफेक्ट ग्रुप का जो है बोर्ड और उसी के पास हमारा परफेक्ट ग्रुप ऑफिस आपका आ गया है। सारे रोड है ये सब पहचान के नाते मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए सामने जो है परफेक्ट ग्रुप आपका बोर्ड दिख रहा है और यहाँ से जो है आपको यही रास्ता सीधा परफेक्ट ग्रुप के पास आपको ला देगा दोस्तों। बस बहुत ही आसानी से आप पहुंच जाएंगे परफेक्ट ग्रुप पे, आसानी से पहुंच जाएंगे। आप अपने जो है रिक्शे से हैं, ऑटो से आ रहे हैं या आप अपने गाड़ी से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बहुत ही आरामी से आप पहुंच जाएंगे। यह जो है यहाँ से फिर आपको लिफ्ट मुड़ना रहेगा और लिफ्ट मुड़ते ही जो है आपको देखिए यही रास्ता सिर्फ परफेक्ट ग्रुप ही जाने के लिए रास्ता जो है ये सीधा रास्ता हमारे ऑफिस जाने के लिए। आप सामने भी देखिए बोर्ड आपको मिल जाएगा परफेक्ट ग्रुप सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे और यहाँ आते ही आपको लिफ्ट मुड़ना है। लिफ्ट मुड़ते ही परफेक्ट ग्रुप को जो है आपका बोर्ड दिख जाएगा, आप आ गए हमारे ऑफिस में दोस्तों। देखिए कितना आसानी से आ गए, सामने देखिए पूरा मेरे परफेक्ट ग्रुप का कैंपस दिख रहा है। ये देखिए परफेक्ट ग्रुप परफेक्ट न्यूज का जो है आप बोर्ड देख रहे हैं और जो है यही हमारा ऑफिस है। और गाड़ी कहाँ खड़ा करना है मैं बता दूं, गाड़ी सिर्फ खड़ा करना है हमारे ही जमीन पे, इधर उधर रोड पे कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा, नहीं तो हम काम नहीं कराएंगे। हम मानेंगे कि आप परेशान करना चाहते हैं, इसलिए कि सिर्फ गाड़ी खड़ा करने के लिए मैंने जमीन लिया है। ये देखिए सामने कैमरा लगवाया है और यही जो है हमारी जमीन है, यहाँ से जो है सीधा गाड़ी अंदर आप अपना जहाँ जैसे भी जाए आप आराम से लगा सकते हैं। सीटी कैमरा लगा है, पूरा आराम से देख सकते हैं। परफेक्ट ग्रुप के ऑफिस के अंदर आप जाएंगे तो सीधा जो है यहाँ जाएंगे, रिसेप्शन में हमारे स्टाफ बैठे रहेंगे, जो भी जानकारी है ले जा सकते हैं। यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था है, बाथरूम है, आप बाथरूम में जा सकते हैं, पानी आरो का पी सकते हैं और ये आपके बैठने के लिए पूरा का पूरा इंतजाम किया है। बाकी जो भी क्वेरी रिसेप्शन में पूछिए, ठीक है, यहाँ जैसा वो कहते हैं वैसा जो भी वांट आता है, ये नोटिस बोर्ड है सारा का सारा चिपकाया रहता है, आप अपना आराम से काम करा सकते हैं। अंदर आएंगे तो अंदर देखिए इस तरह से मिलेगा आपको, ये डाटा एंट्री रूम हो गया और ये जो है डाटा एंट्री यहाँ पे होता है, यह डिपार्चर रूम आपका हो गया जो कि डिपार्चर का काम किया जाता है और जो है फिर इस रूम में जो है यह जो है डॉक्यूमेंटेशन का टोटल हो गया और इधर जो है आपको हमारा ऑफिस मिल जाएगा दोस्तों। तो हम रहते हैं तो जरूर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे आपसे। तो ये हमारे पूरे ऑफिस का वीडियो है। इंटरव्यू आने से पहले ऐसे अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर दें, पहले सबसे पहले सर्च करना है परफेक्ट ग्रुप गोरखपुर, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और इस पर क्लिक करते हैं हमारी वेबसाइट perfectgroupgkp.com डायरेक्ट डाल के भी खोल सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं और इससे जब नीचे आएंगे तो आएगा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो है सबसे पहले यहाँ पे पूरा नाम आपका डालना रहेगा। ये देखिए पूरा नाम डाल दिए, क्या ट्रेड है जो हमने वीडियो में बताया है, जो भी आपका ट्रेड इंटरव्यू का डाल दीजिए, अपना पासपोर्ट नंबर क्या है वो भी डाल दीजिए, विदेश में अगर रहे कितने साल तो वो भी लिख दीजिए, नहीं रहे हैं तो यहाँ जीरो डालिएगा, इंडिया में कितने साल काम किए हैं जो भी काम किए हैं लिख दीजिएगा, नहीं काम किए हैं जीरो, कहाँ तक पढ़ाई किया है पढ़ाई जो भी किया लिख दीजिएगा, नहीं किए हैं तो जीरो, आप कितने साल के हैं अपना उम्र लिख दीजिएगा, कोरोना का कितना टीका है वो लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर कम से कम दोस्तों दो डालना है, मोबाइल नंबर कम से कम दो, क्योंकि यही डिटेल हम कंपनी में भेज देते हैं और आपको फ़ोन भी करते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू में जब आएंगे तो यही जो नाम डिटेल लिखे रहेंगे बुलाया जाएगा कि आपका नंबर आ गया है और तुरंत लाइन में खड़ा होकर आपको कराया जाएगा, ठीक है, और एक ही बार सिर्फ अप्लाई करना है, बार बार नहीं अप्लाई करना है। बाकी इसमें बहुत से दोस्त मिस्टेक कर रहे हैं, जिस कंपनी में आपको इंटरव्यू देने जाना है वही कंपनी का नाम डालना है, बहुत से लोग जिस कंपनी में बहुत पहले काम कर चुके हैं वो लिख दे रहे हैं पुराना वाला, तो जिस कंपनी का हमने वीडियो डाला इंटरव्यू का वो लिख दीजिएगा और ऑफिस पर आप कितने तारीख को आ रहे हैं ताकि हमको मालूम चले कि इस तारीख को आप आ रहे हैं तो आपके स्वागत के लिए हम खुद खड़े रहे हैं, ठीक है, आपका नाम बुलाए कहें भैया चलिए आपका नंबर आ गया, कौन से जिला से आ रहे हैं जिला लिख दीजिए, राज्य लिख दीजिए और यहाँ पे सबमिट जैसे ही दबाएंगे हो जाए। देखिए हम सबमिट दबा रहे हैं नहीं हो रहा क्योंकि कुछ भरा नहीं है, इस तरह कोई भी चीज़ छोड़े रहेंगे तो नहीं आपका भराएगा, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है या विदेश में नहीं है तो जीरो लिख दीजिएगा और हमारे पास डिटेल आ जाएगा दोस्तों।